आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 10 कुवारियों के दृष्टांत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय में 1 पद से 13 पद तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने जैतून पहाड़ पर से अपने चेलों को जगत के अंत तथा अपने दूसरे आगमन के संबंध में बताया था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत के दिनों से संबंधित कई सारे चिन्ह बताए और उन्हें यह भी बताया कि उनके द्वितीय आगमन के समय में क्या क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कई दृष्टांत बताए, लेकिन उसके आगमन से पहले हमें कैसे तैयार होना है उसके संबंध में प्रभु ने 10 कुवारियों का दृष्टांत बताया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह यह बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुवारियों के जैसा होगा जो अपने मशाले लेकर दुल्हे से मिलने गई। उनमें से 5 समझदार थीं और 5 मूर्ख थीं। मूर्खों ने अपने साथ मशाले तो ली, परंतु तेल नहीं लिया, लेकिन समझदार कुंवारियों ने मशालों के साथ साथ अपने बर्तनों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे कुंवारियाँ ऊँघने लगी और सो गई। जब आधी रात धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए चलो, तब सभी कुंवारियाँ जल्दी से उठकर अपनी अपनी मशाले ठीक करने लगीं। उस समय मूर्ख कुंवारियों ने समझदार कुंवारियों से कहा कि हमें अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ रही हैं। परंतु समझदार कुंवारियों ने उत्तर देते हुए ये कहा कि यह तेल हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम बाज़ार जाकर तेल बेचने वालों से खरीद लो। जब वे मूर्ख कुंवारियाँ तेल खरीदने जा रही थीं, तब उसी घड़ी दूल्हा आ गया, तो जो तैयार थीं वो दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गईं और फिर द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद मूर्ख कुंवारियाँ भी आकर यह कहने लगीं कि हे प्रभु हमारे लिए दरवाज़ा खोलिए। लेकिन दूल्हे ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस समय को जानते हो और ना उस दिन को जब मनुष्य का पुत्र आएगा। प्रियो, अब हम इस दृष्टांत के बारे में विस्तार से समझते हैं। प्रियो, इस दृष्टांत में बताई गई 10 कुवारियाँ कलीसिया को प्रदर्शित करती हैं। उन कुवारियों के हाथ में जो मशाले थी वह हमारा शरीर है, और जो आग उस मशाल में जल रही थी वह परमेश्वर के स्वभाव का चिन्ह है, और जो तेल मशालों को जलने में सहायता करता है वह पवित्र आत्मा का चिन्ह है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस दूल्हे के लिए वो कुवारियाँ इंतज़ार कर रही थी वह दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, इस दृष्टांत में ध्यान दें कि उन 10 कुवारियों के पास मशाले थीं, अर्थात परमेश्वर ने कलीसिया में अपना वचन, अपना स्वभाव और पवित्र आत्मा बराबर दिया है। यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट है प्रियो कि हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वह मुँह देखा काम नहीं करता। आगे हम इस दृष्टांत में यह देखते हैं प्रियो कि इन 10 कुवारियों में 5 मूर्ख थीं और 5 समझदार। अब यहाँ पर यह विचार करें कि ऐसे कौन सी बात थी जिसके कारण 5 मूर्ख गिनी गई और 5 समझदार गिनी गई। तो प्रियो, उन मूर्ख कुवारियों को मूर्ख इसलिए कहा गया कि उन्होंने मशाले तो ली थी परंतु तेल नहीं लिया, और यही कारण था कि उन्हें मूर्ख गिना गया। प्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है, आज के समय में आपको बहुत से ऐसे मसीही लोग मिलेंगे जिनके पास आत्मिक जीवन नहीं है, जो सिर्फ नाम के मसीह हैं और सिर्फ नाम के लिए ही चर्च जाते हैं। ऐसे लोग आत्मा से प्रभु की आराधना नहीं करते, ये सिर्फ दिखाने के लिए गीत गाते हैं और हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन लोगों में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होती है। ये लोग एक कान से वचन सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं।
मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो चर्च में वचन तो सुनते हैं लेकिन चर्च के बाहर निकलते ही लोगों की बुराई करना, चापलूसी करना, निंदा करना, अपशब्द बोलना तथा ऐसे ही और भी अनेक प्रकार के पापों को करने लगते हैं। कई ऐसे लोग इन मूर्ख कुंवारियों के समान हैं जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया है। प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मशालों का ही होना पर्याप्त नहीं है, बिना तेल के मशाले बेकार हैं। इसलिए आप बाहर से कैसे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि क्या आप अंदर से पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। प्रियो, रोमियो की पत्री के 8:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीही का जन नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। आप उस लैंप या दिए की तरह हैं जिसमें तेल है ही नहीं, अर्थात पवित्र आत्मा। इसके बाद प्रियो, हम उस समझदार कुंवारियों के बारे में देखते हैं जिन्होंने मशालों के साथ साथ तेल भी लिया और उनका यही कार्य उनके लिए समझदारी का कारण बना। प्रियो, ये समझदार कुंवारियाँ हमें ऐसे मसीही लोगों के बारे में बताती है जो प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। ऐसे लोग जो भी करते हैं वह आत्मा और सच्चाई से करते हैं। इन मसीही लोगों का जीवन चाहे चर्च के अंदर हो या चर्च के बाहर एक समान होता है। ये लोग सिर्फ वचन सुनते ही नहीं बल्कि उस पर चलते व मानते भी हैं। ये मसीही लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं। अगर इन मसीह लोगों से कोई पाप हो जाता है तो वे पश्चाताप करने में देर नहीं लगाते। ये परमेश्वर के लिए पवित्रता से जीवन बिताने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको कलीसिया में दो प्रकार के झुंड देखने को मिलेंगे, जिसमें एक झुंड के लोग मूर्ख कुंवारियों के जैसे होंगे और दूसरे झुंड के लोग समझदार कुंवारियों के जैसे होंगे। अब आप यहाँ सोच कर देखें प्रियो कि आप किस झुंड के हों। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो दसों कुंवारियाँ ऊँघने लगी और सो गई। प्रियो, यहाँ पर हम ध्यान दें कि प्रभु ने इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि दूल्हा किस घड़ी आएगा या उसके आने का समय क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। ये 10 कुंवारियाँ जानती तो थी कि दूल्हा उन्हें लेने आएगा, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह कब आएगा। अगर जानती होती तो वे मूर्ख कुंवारियाँ भी उतने समय की तैयारी कर लेती, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि दूल्हा किस वक्त आएगा। लेकिन प्रियो, यह दृष्टांत बताता है कि दूल्हे के आने में देरी हुई, अर्थात प्रभु यह बताना चाहते हैं कि दूल्हे के अर्थात उनके स्वयं के दोबारा आगमन में देरी हो सकती है। और बाइबल हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु ने स्वयं यह कहा है कि उनके दोबारा आने के संबंध में कोई नहीं जानता। स्वयं वे खुद नहीं जानते, ना ही स्वर्गदूत जानते हैं, केवल पिता परमेश्वर ही जानते हैं कि उनका दूसरा आगमन कब होगा। प्रियो, इस दुनिया में बाइबल का ज्ञान रखने वाले बहुत से ज्ञानी इस बात का अनुमान लगाने में लगे हैं कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन कब हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि प्रभु के आगमन के संबंध में जितने भी अध्ययन या रिसर्च की जाती है वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि पिता को छोड़ कोई नहीं जानता कि वह किस घड़ी आएगा। यही नहीं प्रियो, यहाँ पर हम यह भी सीखते हैं कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे कुंवारियाँ ऊँघने लगी और सो गई। प्रियो, यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि सिर्फ मूर्ख ही ऊँघने लगी और सो गई, बल्कि वचन हमें यह बताता है कि मूर्ख और समझदार दोनों कुंवारियाँ सो गई। लेकिन उनमें अंतर क्या था? उनमें अंतर यह था कि उनमें से समझदार कुंवारियाँ जानती थी कि दूल्हे के आने में देर हो सकती है और इसलिए वो अपने मशाले के लिए एक्स्ट्रा तेल ले लेती है। प्रियो, यह बात हमें सिखाती है कि हमें तैयारी के साथ उसके आने की प्रतीक्षा करना है। हम प्रभु के आने की बात तो जो रहे हैं, लेकिन क्या हमने तैयारी की है? प्रियो, आज बहुत से मसीह प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बिल्कुल ही सुस्त हो गए हैं। जैसे जैसे प्रभु के आने में देरी हो रही है वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका प्रेम ठंडा होते जा रहा है। जैसा प्रभु ने कहा भी था कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा
और वैसा हो भी रहा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका प्रेम ठंडा ना होने पाए। प्रभु किसी भी घड़ी आ सकते हैं, अंतिम तुरही ही किसी भी समय फूकी जा सकती है। अपने आप को तैयार रखें, उन मूर्खों के समान ना बने जिन्होंने अधूरी तैयारी की थी और अधूरी तैयारी के साथ दूल्हे की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन आप उन समझदार कुंवारियों के समान पूरी तैयारी के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करें, क्योंकि वह किसी भी वक्त आ सकता है। प्रियो, आज कई लोग यह सोचते हैं कि अभी तो प्रभु के आने में देर है, बाद में तैयारी कर लेंगे, बाद में मन फिरा लेंगे, बाद में पश्चाताप कर लेंगे, अभी तो मौज मस्ती और ऐशो आराम करने का समय है, प्रभु के लिए तैयारी बाद में कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो, कि ऐसा सोचना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक और मूर्खतापूर्ण कार्य है। यदि आपके पास आज समय है तो आज ही मन फिराएं और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें, क्या पता कल हो ना हो। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि आधी रात को जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तो वे दसों कुंवारियाँ जागी और अपनी मशालें ठीक करने लगीं। तब मूर्खों ने समझदारों से कहा कि हमें भी थोड़ा तेल दे दो, लेकिन उन समझदार कुंवारियों ने तेल देने से मना कर दिया। प्रियो, यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हम किसी से उद्धार या पवित्र आत्मा की भरपूरी उद्धार नहीं मांग सकते। यहाँ हम देखते हैं कि मूर्ख कुंवारियाँ समझदार कुंवारियों से तेल उधार मांगती हैं, लेकिन वह समझदार कुंवारियाँ यह कहकर तेल देने से इनकार कर देती हैं कि यह तुम्हारे और हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। वैसे ही प्रियो, हमें यहाँ यह सीखना है कि उधार का विश्वास, उधार का उद्धार या उधार की पवित्र आत्मा की भरपूरी पर्याप्त नहीं है। हमें यहाँ यह सीखना है कि बचाए हुए किसी व्यक्ति के पास रहकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। कहने का अर्थ यह है कि न्याय के दिन आप यह नहीं कह सकते कि प्रभु, मेरी माँ एक बहुत बड़ी विश्वासी महिला थी, इसलिए मुझे भी स्वर्ग मिलना चाहिए। लेकिन प्रभु आपको कह देंगे कि आपकी माँ विश्वासी थी, परंतु आपका क्या? क्या आपने अपनी माँ की तरह विश्वास किया? आप कह सकते हो कि आपके पापा एक बहुत बड़े प्रचारक थे, लेकिन फिर भी प्रभु आपसे कहेंगे कि आपका क्या? क्या आपने अपने पिता के जैसा जीवन जिया? प्रियो, हम एक बात हमेशा याद रखें कि न्याय के दिन हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त मित्र या हमारे पास्टर का विश्वास हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिलाएगा। स्वर्ग में हमारा प्रवेश तभी होगा जब हमने व्यक्तिगत रूप से प्रभु पर विश्वास किया हो, व्यक्तिगत रूप से अपने पापों का पश्चाताप किया हो और मन फिराया हो, और व्यक्तिगत रूप से प्रभु के लिए अपने आप को तैयार किया हो। ध्यान रखें प्रियो, दूसरे का विश्वास आपको नहीं बचा सकता। आपको खुद प्रभु पर विश्वास करना और उसके आगमन के लिए तैयार होना है। अंत में यह देखते हैं प्रियो कि जब दूल्हा आया तो जो तैयार थी वह दूल्हे के साथ चली गई और जो तैयार नहीं थी वह रह गई, और दरवाज़ा पीटने पर भी उनकी एक ना सुनी गई। प्रियो, यहाँ हम ध्यान रखें कि एक बार दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर वह दोबारा खुलेगा नहीं। एक बार आपके प्राण चले गए तो फिर वह वापस आएंगे नहीं। एक बार मौका चला गया तो दोबारा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, कृपया अपने आप को तैयार कीजिए। इससे पहले कि आपकी आत्मा आपका शरीर छोड़ दे, मन फिरा लीजिए और प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। प्रियो, मेरी तो यही इच्छा है कि हम सब उन पांच समझदार कुंवारियों के समान दूल्हे के आने पर उसके साथ विवाह के घर में जाएं। लेकिन फैसला आपका है कि आप क्या करते हो। ध्यान रखें प्रियो कि एक बार यदि दरवाज़ा बंद हो गया तो वह फिर कभी नहीं खुलेगा। आज आपके लिए उद्धार का, पापों की क्षमा का और छुटकारे का द्वार खुला है। इससे पहले कि यह बंद हो जाए, इसमें प्रवेश कर लीजिए और यीशु को अपना जीवन दे दीजिए। आशा करती हूँ प्रियो कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।